और इधर लुधियाना से बीजेपी उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू का कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा आरोप देखने को मिला। न्यूज 18 इंडिया की टीम से खास बातचीत में रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगा दिए हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਨਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। मैं हूँ तुसी समझ लो हूँ हर गल नहीं दस दो, राहुल गांधी ने तो ये गल कही। ये सारी कांग्रेस पार्टी ये कला नहीं सी, सारी सीनियर लीडरशिप की कह रहे थे अपने पंजाब दे लीडर भी उदे बेअंत सिंह होरां दा जिन्ने कतल किया उन्होंने माफ़ी दो और तरीके ना करो भी जिदे नाल क्रैडिट जिहड़ा है वह कांग्रेस पार्टी नूं मिले, भी असी भी जिहड़ा है वह इसे करके जिहड़ी माफ़ी, क्योंकि वह तो एमी ने जिहड़े एक दो जिन्हां नूं राजीव गांधी के काफिलों में जिन्होंने ये माफ़ किया है सिर्फ क्रैडिट वार होर कोई गल नहीं। बेदा सानू किहड़े साल की गल है, कदों की गल? ये तकरीबन ये गल तो जी आए ये 19 तो बाद की गल गल जी तकरीबन 19 तो पहला की गल। तुसीं मना कर दिता 100%। मैं तो यही मैं यही कह रहा ना भी ये लोग देखणगे भी गदार कौन। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस प्रत्याशियों का इंतजार। देर रात सोनिया गांधी की आवाज पर हुई बड़ी बैठक। सूत्रों के मुताबिक रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा को बनाया जा सकता है उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और झारखंड में करेंगे चुनाव प्रचार। पश्चिम बंगाल के बर्धमान, कृष्णानगर और बोलपुर में होगी पीएम की रैली शाम 5 बजे। झारखंड के सिंहभूम में जनसभा को करेंगे संबोधन। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। गौरव भाटिया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मेरे साथ जॉर्ज कुरियन है नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, मेरे साथ रोहित अग्रवाल है रालोद के नेता हैं प्रवक्ता हैं, मेरे साथ सुनील यादव है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के। तो कुरियन साहब, फाइनली पाकिस्तान से भी शुभकामनाओं का संदेश आ गया है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये शुभ समाचार तो नहीं है किसी भी घड़ी में, लेकिन ये आखिरकार आप ही के साथ क्यों हो जाता है? अमीश जी, देखिए सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार जी। कांग्रेस पार्टी को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान से क्या शुभ संदेश आया है या क्या नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी को क्या महत्व है कि इस देश की जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट खड़ी हुई है, ये कांग्रेस पार्टी को महत्व रखता है। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी सभी समुदाय को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। एससी एसटी ओबीसी की बात हो, माइनॉरिटी की बात हो, बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी आश्वस्त है इस वक्त कि 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और अच्छी बहुमत से सत्ता में आएगी। जहां तक अमेठी और रायबरेली का सवाल है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कल के दिन नामांकन राहुल गांधी खुद भरेंगे, प्रियंका गांधी खुद रायबरेली से नामांकन भरेंगी और जीत कर बड़ी बहुमत से जीत के इन दोनों संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी आएगी। ठीक है कुरियन साहब, आपने अपनी बात को रखा, आपका सम्मान है, लेकिन मेरे साथ गौरव भाटिया हैं। गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री ने आज एक बात बोली, कहा कि कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री फाइनली चुनाव के अंदर हो गई। अमीर जी, आप याद करिए पाकिस्तान की एंट्री कब हुई थी। पाकिस्तान की एंट्री तो तब हो गई थी कांग्रेस पार्टी के लिए जब कर्नाटका के विधानसभा में नासिर सलीम, जो इनके सांसद हैं, वो सांसद बने और नारे लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद। नासिर हुसैन भाई, रिश्ता ही ऐसा है, नासिर हुसैन सलीम, या उनका नाम नासिर हुसैन, तो उनके जीतने पे नारे लगे जी,
कि पाकिस्तान जिंदाबाद, जब कर्नाटका सरकार से ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा ये झूठ है। बाद में एफआईआर दर्ज हुई, अरेस्ट भी हुई और ये पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी का ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ है, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा किससे डरता है, ये तो उनके पूर्व मंत्री भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गरजने लगते हैं तो वो थर थर कांपने लगते हैं और वो कहते हैं नहीं, हमारे जो भाई अभिनंदन है उसको छोड़ दिया जाए। ये तो उनका कबूलनामा है। और चुनाव में एंट्री इसलिए होती है क्योंकि सारे घटक दल ये इंडिया अलायंस के मिल जाएं तो इनमें इतनी ताकत नहीं है कि नरेंद्र लेकिन लेकिन मोदी एक काउंट एक गौरव 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 जॉर्ज कुरियन वन सेकंड पाकिस्तान जॉर्ज कुरियन वन सेकंड लेकिन गौरव मेरा एक काउंटर सवाल आपसे ये है कि कुछ नेताओं का ये कहना है कि पाकिस्तान भी चाहता है कि भारत में लोकतंत्र बहाल हो, इसलिए वो राहुल जी को चाहते हैं, इसलिए राहुल गांधी की तारीफ करी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं वो फटीचर आतंकिस्तान जहां 70 साल में 35 साल तानाशाही रही है, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया जाता है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को फांसी लगा दी जाती है, वो जहां आटा खरीदने के लाले पड़े हुए हैं, वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहा हमारा देश हमें बताएगा? ये तो कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि उनका मुंह बोला भाई पाकिस्तान किस फटीचर हालत में है। और शत्रु देश को शत्रु देश समझो जब बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है और मुंह तोड़ जवाब देती है। कांग्रेस ने तो इसे इनवाइट नहीं करा, अब कोई खुद से नहीं सवाल ये कि कांग्रेस ने तो उनको नहीं बोला ये बात बोलने के लिए, अब वो खुद से ही बोल रहे हैं तो कांग्रेस क्या करे? आप तो कांग्रेस में मर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, आप तो कांग्रेस में गड़ रहे हैं, इस पर सवाल पूछिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे या नहीं लगे थे? ठीक है, सुनील यादव विवेक श्रीवास्तव भी कुछ कहना चाहते हैं, का क्या अर्थ है बताइए मुझे। ठीक है ये सुनील यादव अमेश जी जी सुनील यादव, आज प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है, और बकायदा फवाद चौधरी ने आज एक बाइट में भी कहा कि मोदी को तो हारना ही चाहिए वहां पर और दूसरे गठबंधन को यानी आपके गठबंधन को जीतना चाहिए। ये कहने को तो सपोर्ट है लेकिन भारत में तो इसका विरोध होगा। अब मैं बोलूं अपनी बात? जी जी सुनील जी, देखिए मैं बड़ी ईमानदारी के साथ एक बात अमित जी कह रहा हूं, क्योंकि 2024 के चुनाव में बीजेपी फंसी हुई है और बीजेपी के बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग सब लोग जान रहे हैं कि ये देश का किसान बेरोजगार अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान सब 24 में विदाई देने जा रहा है। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव की शुरुआत किसान से नहीं की, बेरोजगारी से, महंगाई से, देश की सीमाओं से नहीं की। शुरुआत कहां से की माननीय प्रधानमंत्री जी ने? मंगल सूत्र से, मुसलमान से। हम लोग इंतजार कर रहे थे अब कब पाकिस्तान आएगा, अब पाकिस्तान आ गया, ये भी चलेगा नहीं। फिर जो बात एक पूरा देश कह रहा है कि इसका मतलब तीसरे चरण के बाद फिर प्रधानमंत्री जी किसी मंच पर रोते हुए नौटंकी करते हुए नजर आएंगे। एक बात मैं और बड़ी ईमानदारी के साथ कह दूं, पाकिस्तान